आप कहते हो कि इमरान खान ने क्या किया, बेड़ा गर्क किया है, आप गरीबों का बेड़ा गर्क किया है, सिंध का बेड़ा गर्क किया है, जजीरे भेज दिए, सिंध के जजीरों पर कब्जा किया है, हमारे ईमान पर डाके। क्या किसी को इमरान खान के हुकूमत से पहले जुर्रत थी? औरत आजादी मार्च में आपको हलफ दे के कहता हूं, आप मस्जिद में बैठे हैं, आपको हलफ दे के कहता हूं, इमरान के आने से पहले कभी औरत आजादी मार्च सुनी थी आपने? बोलो यार, बोलो यार। अभी आज 19 है, 18 है, आज 19 है, 8 तारीख को औरत आजादी मार्च लाहौर में हुआ, 8 तारीख को आपने स्टेज पर झंडे सजाए हैं, लाइटें सजाई हैं, चिरागा किए हैं, औरत आजादी मार्च में इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर हासिल होने वाले पाकिस्तान में, कलमे के नाम पर हासिल होने वाले मुल्क में, मदीना मुनव्वरा के बाद कुर्रे अर्श पर 27 रमजान की रात को ये मुल्क इसलिए हमारे से वजूद में आया कि यहाँ निजाम इस्लामी होगा, कुरान का होगा, शरीयत का होगा, यहाँ अमेरिका और बरतानिया का निजाम नहीं चलेगा, यहूद और हनूत का निजाम नहीं चलेगा, यहाँ निजाम चलेगा तो मोहम्मद अरबी के शरीयत का निजाम चलेगा। लेकिन इस मुल्क में 8 मार्च को, इस महीने की 8 तारीख को लाहौर में औरतों ने हुकूक खवातीन मार्च किया और स्टेज पर औरतों ने अपनी शलवारें लटकाई हैं। मेरे पास यहां मोबाइल में वीडियो मौजूद है, न दिखाऊं मेरी सजा गोली है। स्टेज पर औरतों ने शलवारें लटकाई हैं, क्या कहती हैं? आजादी, आजादी, आजादी। ये भी सुने आजादी, वो भी सुने आजादी, इकबाल भी सुने आजादी, आगे वो बदबख्त फाहिशा औरतें क्या कहती हैं? अल्लाह भी सुने आजादी, रसूल भी सुने आजादी। सहाफियों ने पूछा किस तरह की आजादी, उन्होंने कहा होम सेक्सुअलिटी की आजादी। आसान अल्फाज में होम सेक्सुअलिटी समझाऊं कि घर में मियां बीवी बैठे हैं, बीवी का शोहर की तरफ जाने का दिल नहीं चाह रहा, कोई और बंदा मंगाने का दिल चाह रहा है, तो चंद टक्कों पर घर में किसी और बंदे को बुलाकर बीवी उसके साथ काला मुंह करे और शोहर को पूछने का हक ना हो कि यह बंदा मेरे घर में क्यों आया है। इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर हासिल होने वाले मुल्क में कहती है लड़का लड़के के साथ काला मुंह करे या लड़की लड़की के साथ काला मुंह करे, कोई पूछने वाला ना हो। मैं आपसे पूछता हूं नवाब शाह में बैठे हुए खत्म नबुव्वत के दीवानों और मतवालों, क्या आप अपनी औरतों के ऐसे हुकूक देने के लिए तैयार हैं? भाई गैरतमंद कौम बोले, मैं आवाज सुनना चाहता हूं, क्या आप अपनी औरतों के ऐसे हुकूक देने के लिए तैयार हैं? सब कुछ लूटा गया है, बची इज्जत है, नामूस है, गैरत है, अब हमारी इज्जत पर हमले हैं, हमारी गैरत पर हमले हैं, हमारी बच्चियों की चादर और चार दीवारी पर हमले हैं। औरत आजादी मार्च, आसिया मलूना की रिहाई, क्या क्या गिनवाऊं आपको, कौन कौन सी चीज गिनवाऊं? कायदानी मुसन्निफ अदालत ने कहा कि ये सजा का मुस्तहिक है, जालोडेल में जेल में पड़ा हुआ था, उसकी तकरीर डोनाल्ड ट्रंप के बारगाह में, उसकी बातचीत आपके गूगल में पड़ी है, जाके सर्च करें। डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होकर कहता है मैं इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे पाकिस्तान से निकाल कर आपके ऑफिस तक पहुंचाया है। आज हालत यह है कि सब कुछ लूटा गया है, बचा ईमान और गैरत है, आज हमारे ईमान और गैरत पर डाके डाले जा रहे हैं। आसिया मलूना की रिहाई, कादियानी मुसन्निफ की रिहाई, औरत मार्च के नाम पर बेगैरती और बेहयाई, आज हालत यह है। करतारपुरा का बॉर्डर सिखों के लिए खोला गया, वीजा मुफ्त, ट्रांसपोर्ट मुफ्त, रहाइश मुफ्त, खाना पीना मुफ्त। आज हालत यह है कि एक साल में
इस्लामाबाद में मंदिरों की तामीर पर 28 करोड़ रुपए इमरान खान ने खर्च किए हैं, 28 करोड़ एक साल में मंदिर की तामीर पर। दिसंबर में ईसाइयों की ईद हुई, मेरी क्रिसमस के नाम से चर्चों की सिक्योरिटी आर्मी ने की और रेंजर्स ने की, हमें कोई एतराज नहीं। अकलियत के जान माल इज्जत और आबरू की चौकीदारी हमारे जिम्मे, हम करेंगे, होनी चाहिए। अकलियतें गैर महफूज ना हो, अकलियतें यहां महफूज हो। लेकिन क्या वजह है कि चर्च तो महफूज है, मंदिर तो महफूज है, करतारपुरा तो महफूज है, एक रात में ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर हासिल होने वाले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सूबे बाबुल इस्लाम सिंध के बड़े शहर सखर में एक रात में 19 मसाजिद को बिल्डोजर लगाकर शहीद कर दिया जाता है। राजा जफरुल हक कमीशन रिपोर्ट आपके सामने, जो पार्लियामेंट में मसला हुआ, खत्म नबूवत के हलफनामे को तब्दील करने की कोशिश की गई, कमेटी बनी, तहकीकाती कमेटी बैठी, पार्लियामेंट में तमाम जमातों के नुमाइंदे बैठे, राजा जफरुल हक उस कमीशन के सरबराह ठहरे, उन्होंने तहकीकात की, तहकीकात के बाद उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर वो अपनी तहकीकाती रिपोर्ट पेश की जो कौम की अमानत है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पार्लियामेंट के अंदर कानून खत्म नबूवत के कानून पर डाका डालने वाले पीटीआई के एमएनए और सेनेटर्स थे जिन्होंने खत्म नबूवत के कानून पर डाका डाला है। मौलाना बैठे, पूछे मौलाना से, दन दनाते कादियानी फिर रहे, दन दनाते फिर रहे, मस्जिदों में फिर रहे, गली और मोहल्लों में फिर रहे हैं, हमसे रोटी कपड़ा और मकान तो छीना गया, जीने का हक तो छीना गया, हमसे इज्जत की दो वक्त की रोटी तो छीनी गई, नवाब शाह वालों अब हमसे खत्म नबूवत का अकीदा और ईमान छीनने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम भी वचन और वादा करते हैं जब तक जान में जान है इंशाअल्लाह खत्म नबूवत की चौकीदारी करते रहेंगे।